अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने चैप्टर का माई स्कूल का सेकेंड हाफ पढ़ेंगे। पहले हमने फर्स्ट हाफ पढ़ा था, अब हम सेकेंड हाफ पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्ट। वी आर टॉट गुड मैनर्स एट स्कूल। कि स्कूल में आप सबको गुड मैनर्स सिखाए जाते हैं। गुड मैनर्स का क्या मतलब होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गुड मैनर्स? गुड मैनर्स का मतलब होता है, गुड मैनर्स मीन्स गुड हैबिट्स। गुड मैनर्स का मतलब होता है अच्छी आदत, अच्छा इखलाक और अच्छे काम। कि स्कूल में आप लोगों को बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और आप लोगों को सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट इज वी प्ले स्पोर्ट्स एंड गेम्स एट स्कूल। के स्कूल में हम लोग स्पोर्ट्स एंड गेम्स, के जैसे कि आप लोगों का गेम पीरियड होता है और आप लोग बहुत खुश होते हो, जिसमें आप डिफरेंट तरह की स्पोर्ट्स और गेम्स जो है वो खेलते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ बच्चों को क्रिकेट का बहुत शौक होगा, कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे, कुछ बच्चे फुटबॉल खेलते होंगे। ऐसे ही आप सबकी जो मनपसंद गेम्स होती हैं वो आप लोग स्कूल में खेलते हो। सो द लास्ट पैराग्राफ इज, चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है, वी टेक पार्ट इन स्कूल एक्टिविटीज़। कि हमें स्कूल की एक्टिविटीज़ जो होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप लोगों का अभी रिसेंटली एनुअल फंक्शन हुआ है, तो वो भी स्कूल की एक एक्टिविटी है ना, तो स्टूडेंट्स को स्कूल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करना चाहिए। वी रिस्पेक्ट आवर प्रिंसिपल एंड आवर टीचर्स। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रिंसिपल की और टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये तो अच्छी हैबिट है ना, कि आप अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं, उन्हें एहतराम से बुलाते हैं। तो आप लोगों को अपने टीचर्स की और प्रिंसिपल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और इसके अलावा स्कूल को गंदा नहीं करना चाहिए, स्कूल को साफ सुथरा रखना चाहिए। यू शुड ऑलवेज कीप योर स्कूल एंड होम नीट एंड क्लीन।